आज हम MSc प्रीवियस का पेपर सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स का यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। पेपर सेकंड को हम यूनिट वाइज कवर कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, तो सेकंड यूनिट में जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोस्टेटिक लोकोमोशन, सीलियरी लोकोमोशन, फ्लेजिरल लोकोमोशन, कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के ऑर्गेनिज्म कैसे लोकोमोशन करती है, जैसे कि प्रोटोजोआ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन सब में लोकोमोशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो लोकोमोशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटोजोआ के अंदर की, प्रोटोजोआ फाइलम के ऑर्गेनिज्म कैसे लोकोमोशन कर रहे हैं। लोकोमोशन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसके अंदर दो वर्ड इंक्लूड है, लोको प्लस मोशन। लोको का मतलब है यहाँ पे प्लेस यानी स्थान या कोई जगह, और मोशन का मतलब है टू मूव यानी गमन करना। तो हम लोकोमोशन को कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव इज कॉल्ड एज लोकोमोशन, कि कैसे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हैं उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। आज हमें प्रोटोजोआ में लोकोमोशन को डिटेल में डिस्कस करना है कि प्रोटोजोआ फाइलम के ऑर्गेनिज्म कैसे लोकोमोशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रोटोजोआ के बारे में देखें कि हम पहले प्रोटोजोआ के कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। प्रोटोजोआ भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटो का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट, और जोआ का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आए थे वो कौन से फाइलम के थे, प्रोटोजोआ। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड एज प्रोटोजोआ फाइलम। अब प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म में, और वही एक सेल जो सारे एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन एक्सेट्रा। जैसे हमें पता है हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है और हर सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, ऐसे प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है और वही एक सेल सारे एक्टिविटीज करता है, न्यूट्रिशन भी, एक्सक्रीशन भी, रिप्रोडक्शन भी और डाइजेशन भी। प्रोटोजोआ थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है लिविंग वर्ल्ड का प्रोटोजोआ। माइक्रोस्कोप है, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी है, जमीन पे भी रहते हैं, और ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोजोआ सॉलिटरी भी हो सकते हैं या फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं। सॉलिटरी यानी अकेले रहने वाले, या अकेले रहने वाले भी हो सकते हैं, या फिर कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक यानी इन्फेक्शन कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कलरलेस हो सकते हैं, इनका शेप ओवल हो सकता है, स्फेरिकल, स्पिंडल शेप, बेल शेप या फिर इरेगुलर शेप के होते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर न्यूक्लियस एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी पाया जाता है। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो हम पैरामेशियम का एग्जांपल लेंगे। आज हम सिर्फ प्रोटोजोआ के बारे में लोकोमोशन डिस्कस करेंगे, यूनिट सेकंड में सिर्फ प्रोटोजोआ का लोकोमोशन डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ का एक्सक्रीशन, इसका न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, इन सब के बारे में डिफरेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम यूनिट सेकंड को डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो है लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ में आज हम फ्लेजिलर लोकोमोशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्लेजिलर लोकोमोशन स्टडी करने के लिए हम युग्लेना का एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले युग्लेना के अगर आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो युग्लेना के दो एंड होते हैं, एक एंटीरियर एंड, एक पोस्टीरियर एंड। युग्लेना का एंटीरियर एंड हमेशा ब्लंट होता है यानी चौड़ा होता है, और पोस्टीरियर एंड पॉइंटेड होता है यानी कि सकड़ा होता है। पी से याद रखना, पॉइंटेड पी से पोस्टीरियर, और एंटीरियर एंड होता है ब्लंट। युग्लेना के अंदर एक रिजर्वायर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं रिजर्वायर। इसी रिजर्वायर के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। युग्लेना में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिलम और एक शॉर्ट फ्लैजिलम, और दोनों फ्लैजिलम रिजर्वायर के अंदर प्रेजेंट होता है। लॉन्ग फ्लैजिलम रिजर्वायर से बाहर निकला हुआ रहता है, और जो शॉर्ट फ्लैजिलम है वो रिजर्वायर के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। रिजर्वायर के अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक लॉन्ग फ्लैजिलम जो है लोक
लोकोमोटरी फ्लैजिलम, यानी कि जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा वो है लॉन्ग फ्लैजिलम, और दूसरा है शॉर्ट फ्लैजिलम जो रिजर्वायर के अंदर ही यानी इनसाइड रिजर्वायर प्रेजेंट रहेगा। रिजर्वायर के नीचे यहाँ पे दो स्पॉट्स प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं ब्लेफरोप्लास्ट, दो पॉइंट प्रेजेंट है ब्लेफरोप्लास्ट, और इन्हीं ब्लेफरोप्लास्ट से दोनों फ्लैजिलम अराइज रहते हैं, जो एक अंदर ही रह जाता है रिजर्वायर के और एक रिजर्वायर से बाहर निकल के प्रेजेंट रहता है। ब्लेफरोप्लास्ट क्या है? फ्लैजिला अराइजेस फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। अब बात करें नेक्स्ट, तो रिजर्वायर जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इस वाली स्ट्रक्चर को यहां से जो स्टार्ट हो रहा है इसे हम कहते हैं साइटो फेरिंग्स। फेरिंग्स जैसी स्ट्रक्चर है जहां से रिजर्वायर स्टार्ट हो रहा है इसे हम कहेंगे साइटो फेरिंग्स, यानी एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड ब्लंट है, पोस्टीरियर एंड पॉइंटेड है। दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक फ्लैजिला लोकोमोटरी फ्लैजिलम है जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, दूसरा शॉर्ट फ्लैजिलम है जो रिजर्वायर के अंदर ही प्रेजेंट होगा। दोनों फ्लैजिलम अराइज कहाँ से हो रहे हैं? ब्लेफरोप्लास्ट से, यानी ब्लेफरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है जिससे दोनों फ्लैजिला अराइज हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो रिजर्वायर से अटैच कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यूग्लिना के ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। यूग्लिना को ऑस्मो रेगुलेट कराने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्पफुल है। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के आसपास एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, छोटे एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो अपना कंटेंट इस लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में रिलीज करते हैं। एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अपना कंटेंट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में रिलीज करते हैं। यह कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रिजर्वायर से अटैच है। अब एक तरफ तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है और इस रिजर्वायर के दूसरी तरफ स्टिग्मा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम आई स्पॉट भी कह सकते हैं। लोकोमोशन के टाइम पे फ्लैजिला, ये जो लॉन्ग फ्लैजिलम है, ये स्टिग्मा की तरफ मूव करता है और फिर यूग्लिना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट के लिए स्टिग्मा यानी आई स्पॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूग्लिना के लोकोमोशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाहर की तरफ जो ये प्रेजेंट है, आउटर स्ट्रिप किनारे पे जो ये प्रेजेंट है इसे हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म, और अंदर की तरफ जो पूरा डिस्ट्रीब्यूट है फैला हुआ है रेड कलर में पॉइंटेड आपको दिख रहा होगा, ये है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे बहुत सारी और डिफरेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है, न्यूक्लियस, क्रोमेटोफोर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ये सारे इसके अंदर यानी एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस लार्ज होता है, न्यूक्लियस का ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो प्लाज्म भरा हुआ है। नेक्स्ट, ये राउंड राउंड ब्लैक कलर की आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इन्हें हम कहते हैं पैरामाइनोल ग्रेन्यूल्स, पैरामाइनोल ग्रेन्यूल्स। और ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है, ये लाइन स्पाइरल जैसी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये है मायो नीम्स। और इस लॉन्ग फ्लैजिलम के ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रेड कलर से बनाया हुआ ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम कहते हैं मैस्टिगो नीम्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन लॉन्ग फ्लैजिलम, प्रेजेंट ऑन लॉन्ग लोकोमोटरी फ्लैजिलम इज कॉल्ड एज मैस्टिगो नीम्स। नेक्स्ट बात करें, इधर हम आए तो बाहर जो ये प्रेजेंट है, बाहर वाली मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं पेलिकल, और एक पेलिकल का एक रिज दूसरे के ग्रूव में फिक्स होता है इसलिए पेलिकल फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ये रिज है और ये ग्रूव है, तो पेलिकल का एक रिज दूसरे के ग्रूव के अंदर प्रेजेंट रहता है इसीलिए पेलिकल फ्लेक्सिबल होता है और फ्लैजिला को लोकोमोशन में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट हम बात करें, पेलिकल के अंदर की तरफ यहाँ पे म्यूकस सिक्रीटिंग बॉडी प्रेजेंट रहती है, और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, ये है क्रोमेटोफोर, जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर। यूग्लेनोइड में हम यूग्लेना की बात करेंगे तो हम दो मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे, फ्लैजिलर मूवमेंट और यूग्लेनोइड मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट स्टिग्मा की वजह से होगा, स्टिग्मा के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जब यूग्लेना फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश करता है, जब वो फॉरवर्ड मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, तो कैसे अपने फ्लैजिला को स्टिग्मा के डायरेक्शन में मूव करवाता है बैकवर्ड, फिर यूग्लेना आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेलिकल की, जो हम यूग्लेनोइड मूवमेंट में बात करेंगे कि कैसे पेलिकल की हेल्प से जो एक ग्रूव, एक के रिज और दूसरे के ग्रूव के अंदर फैला हुआ है, उसके हेल्प से कैसे यूग्लेना यूग्लेनोइड मूवमेंट करता है।
युगलेना में ड्यूअल मोड ऑफ लोकोमोशन पाया जाता है, यानी युगलेना टू टाइप से लोकोमोशन कर सकता है। फर्स्ट है फ्लैजिलर मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कि फ्लैजिला की हेल्प से। सेकंड है युगलेनोइड मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कि यहाँ पे पेलिकल की हेल्प से, पेलिकल की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जब युगलेना मूव करेगा तो उसे हम युगलेनोइड मोड ऑफ लोकोमोशन के अंडर डिस्कस करेंगे। और फ्लैजिला के साथ अगर फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट करेगा युगलेना तो उसे हम कहेंगे फ्लैजिलर मोड ऑफ लोकोमोशन। तो सबसे पहले अगर आप फ्लैजिलर को हम डिस्कस करें तो ये मान लो युगलेना की स्ट्रक्चर है। युगलेना की स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक रिजर्वायर प्रेजेंट था और साइड में यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और ये एसेसरी वैक्यूल। तो सबसे पहले मैंने जब वहाँ भी बताया था, जब मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, कि युगलेना अपने फ्लैजिला को स्टिग्मा की तरफ जब मूव कराएगा तब बॉडी फॉरवर्ड आगे प्रोपेल होगी, यानी रिजर्वायर से ये लॉन्ग फ्लैजिलम सबसे पहले स्टिग्मा की तरफ मूव करेगी, फिर बॉडी आगे प्रोपेल होगी, यानी कि स्विम फ्रीली विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग लोकोमोटरी फ्लैजिलम। सबसे पहली बात, फ्लैजिलम मोड ऑफ लोकोमोशन में किसकी जरूरत है? फ्लैजिला की, फ्लैजिलम की। फ्लैजिलम की हेल्प से मूव करेगी बॉडी। सेकंड, ड्यूरिंग स्विमिंग द फ्लैजिलम इज डायरेक्टेड ऑब्लिकली बैकवर्ड टुवर्ड द स्टिग्मा। जो फ्लैजिलम है वो ऑब्लिकली बैकवर्ड टुवर्ड स्टिग्मा, स्टिग्मा के तरफ बैकवर्ड फ्लैजिलम मूव करेगा, तब बॉडी आगे फॉरवर्ड प्रोपेल होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अंडरगो स्पाइरल ऑंडुलेशन विद वेव फ्रॉम बेस टू टिप, बेस से लेके टिप तक, बेस से लेके टिप तक स्पाइरल ऑंडुलेशन करेगी और फिर बॉडी आगे मूवमेंट करेगी, या फिर इसे हम कह सकते हैं युगलेना लैशिंग मूवमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल करेगा। फ्लैजिला बीट्स 12 बीट पर सेकंड, फ्लैजिला 12 बीट्स पर सेकंड में 12 बीट करता है और फिर आगे फॉरवर्ड मूव करता है। और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो फ्लैजिलम को भी एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के फॉर्म में। बीटिंग ड्राइव्स वाटर बैकवर्ड एंड इंड्यूसेस द होल बॉडी टू मूव फॉरवर्ड। बीटिंग की वजह से, ये जो 12 बीट कर रहा है पर सेकंड, इसकी वजह से वाटर की तरफ, वाटर बैकवर्ड जाएगा और बॉडी आगे फॉरवर्ड होगी, प्रोपेल होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। व्हेन द बीट आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर, जब ये बीट ओवर एंड ओवर, एक के बाद एक जब बीट रिपीट होगी तो युगलेना रिवॉल्व करेगा सर्कल में उसकी एक्सिस पे, उसकी एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा युगलेना और आगे मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 9 पेरिफेरल फाइबर, 9 पेरिफेरल फाइबर्स की वजह से, फ्लैजिलम के अंदर जो पेरिफेरल फाइबर्स हैं, 9 पेरिफेरल फाइबर्स, उन्हीं की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा और युगलेना आगे मूवमेंट करेगा। अगर फ्लैजिलर लोकोमोशन के हम डायग्राम से समझें तो ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, इधर की तरफ फॉरवर्ड जाना है, ये युगलेना है, यहाँ ये स्टिग्मा प्रेजेंट हो तो फ्लैजिला देखो स्टिग्मा की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं और आगे मूव कर रहे हैं। सेकंड हम बात करें युगलेनोइड मूवमेंट की, तो युगलेनोइड मूवमेंट मैंने बताया था कि यहाँ पे पेलिकल की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, ड्यू टू पेलिकल फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म्स पेरिस्टेलिक एक्टिविटी। पेलिकल फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पेरिस्टेलिक एक्टिविटी करता है और आगे फॉरवर्ड मूव करता है युगलेना। पेलिकल का एक ग्रूव दूसरे के ग्रूव में फिक्स रहता है, वहाँ भी मैंने बताया था, जैसे मान लो ये पेलिकल है, ये पेलिकल का रिज है, पेलिकल का रिज दूसरे के ग्रूव में फिक्स रहता है, इसकी वजह से ये होता है फ्लेक्सिबल और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पेरिस्टेलिक एक्टिविटी करता है और युगलेना फॉरवर्ड मूव करता है। वॉर्म लाइक रिंगलिंग्स ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी, और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वॉर्म के जैसे मूव करता है, वॉर्म के जैसे रिंगलिंग करता है और मूव करता है युगलेना। द बॉडी बिकम शॉर्टर, सबसे पहले क्या होता है, जो बॉडी है वो शॉर्ट और वाइड हो जाती है एट द एंटीरियर एंड। युगलेना के दो एंड थे, एक एंटीरियर एंड और एक पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड ब्लंट था, पोस्टीरियर एंड पॉइंटेड था। तो सबसे पहले क्या होता है, जब युगलेना को युगलेनोइड मूवमेंट करना होता है, एंटीरियर एंड ब्लंट हो जाता है और फिर मिडल ब्लंट होता है, फिर पोस्टीरियर ब्लंट होता है और युगलेना फिर मूव करता है। कैसे? मान लो ये नॉर्मल युगलेना था तो सबसे पहले कौन होगा, शॉर्ट और वाइडर, एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड देखो यहाँ से वाइड हो गया, ये पोस्टीरियर है, नीचे पॉइंटेड है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बीच से देखो, यहाँ से मिडल से ब्लंट हुआ, फर्स्ट शॉर्टर वाइडर एट द एंटीरियर, सेकंड मिडल से,
फिर देन पोस्टीरियर, फिर पोस्टीरियर से ब्लंट होगा, पहले पोस्टीरियर से कैसा था, पॉइंटर था, फिर धीरे धीरे यहाँ से ब्लंट होता गया, फिर नीचे आया पोस्टीरियर, फिर एकदम ब्लंट हो गया पोस्टीरियर में, फिर इसने ऐसे मूवमेंट स्टार्ट किया जैसे वॉर्म के जैसे मूवमेंट करते हैं, पहले यहाँ था फिर यहाँ से चौड़ा हुआ फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऐसे यूग्लेनोइड मूवमेंट यूग्लेना परफॉर्म करता है।